हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं, और डिस्कस करूंगा पीपी यानी पॉली प्रोपिलीन मैन्युफैक्चरिंग की। पीपी हमारा एक वर्सेटाइल मटेरियल है जिसका वाइडली यूज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, बॉटल्स में एट्सेट्रा। पीपी एक ऐसा मटेरियल है जिसने बहुत ही जल्दी ग्रो, और वुड, मेटल या ग्लास के जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे उनको रिप्लेस किया और उनकी जगह अब पीपी के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। पीपी एक लो कॉस्ट मटेरियल है, बट पीपी एक लीनियर पॉलीमर है जो कि आइसोप्रोपेन की रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनाया जाता है या उसको फॉर्म किया जाता है। पीपी मटेरियल लाइट वेट, लो डेंसिटी मटेरियल होता है, और इसकी जो डिग्री होती है वो काफ़ी हायर होती है कंपेरिजन टू अदर पॉलीमरिक मटेरियल। यानी कि अगर हम बात करें कि पीपी की जो क्रिस्टलिनिटी की डिग्री है वो अदर जो पॉलीमर्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। पीपी को सबसे पहले फिलिप्स पेट्रोलियम केमिस्ट जे और रॉबर्ट बैंक्स ने 1951 में पॉलीमराइजेशन से फॉर्म किया था, जबकि इसका लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर में डिस्कस 1954 में सी नाटा और जे के जिगलर ने किया है। पॉलीप्रोपिलीन को हम प्रोपिलीन गैस या फिर सॉलिड फॉर्म में प्रोपिलीन जो होता है उसको हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन द्वारा फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होता है वो हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। पीपी के डिफरेंट ग्रेड्स और प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टेम्परेचर, प्रेशर और जो रिएक्टेंट होता है उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पीपी के हमें कई तरीके के ग्रेड्स चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए या डिफर चाहिए, करेंगे उसके टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को क्या करेंगे, डिफर कर देंगे। पीपी एक हम जानते हैं कि कमोडिटी थर्मोप्लास्टिक है और काफ़ी यूज़ किया जाता है विश्व में। यूजेस के मामले में अगर हम बात करें तो पीपी जो है वो सेकंड नंबर का थर्मोप्लास्टिक है, कमोडिटी थर्मोप्लास्टिक है जिसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट नंबर पर पॉलीएथिलीन जिसका यूज़ किया जाता है। पीपी एक ऐसा मटेरियल है जिसे बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किया है और जिसने वुड, ग्लास, मेटल या कुछ जो प्लास्टिक मटेरियल हैं उनको अब पीपी के प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। पीपी एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़, पीपी जो है बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखता है, जैसे कि हम कह सकते हैं गुड सरफेस हार्डनेस, गुड स्क्रैच रेजिस्टेंस, गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, गुड स्टेबिलिटी इन बॉइलिंग वाटर एंड एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। इसके साथ ही ये इसकी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमने पॉलीमर प्रोपिलीन मोनोमर हैं और जिनका हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं। सॉल्वेंट हम इसमें यूज़ करते हैं इसलिए इसको सॉल्वेंट से फॉर्म किया जाता है और इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारा पॉलीमर पॉलीप्रोपिलीन, ये इसकी फ्लोशीट है जिसमें हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले जो प्रोपिलीन है ये उसका प्रोपिलीन टैंक है, इसके साथ में मैंने जैसे बताया सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ये सॉल्वेंट टैंक है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो ये हमारा कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। प्रिपरेशन कराने के बाद में इन तीनों को ही रिएक्टर में पास कर दिया जाता है। यहाँ पर एजिटेटेड हमारा रिएक्टर यूज़ किया जाता है। एजिटेटेड रिएक्टर क्या करता है कि 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हाई प्रेशर के साथ में इसको क्या करेगा, एजिटेटर रोटेट करेगा और पॉलीमराइजेशन जो है हमारा स्लोली कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन होने के बाद में इसको हम पास करते हैं फ्लैश ड्रम में। फ्लैश ड्रम में क्या होता है कि स्लरी के साथ जो हमारी वेपर्स होती हैं
कैटलिस्ट और सॉल्वेंट जो उसमें प्रेजेंस होता है उसको हम क्या करेंगे, सेटल डाउन करते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद में कंडेंसर द्वारा करने के बाद में उसको वापस रिसाइकिल कर देते हैं रिएक्टर में, और जो हमारा स्लरी होता है उसको हम सॉलिडिफिकेशन कराते हैं। सॉलिडिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक ड्रायर का यूज़ करते हैं, ड्रायर में उसको भेजते हैं, करने के बाद एक्सट्रूजन में पास करते हैं। एक्सट्रूजन क्या हमारा है, इसमें है एक्सट्रूडर जो उसको मेल्ट करने के बाद में फिलामेंट में कन्वर्ट कर देता है। फिलामेंट करने के बाद जो फिलामेंट्स होती हैं उनको हम वाटर बाथ से पास कराते हैं। वाटर क्या होता है कि वाटर कंटिन्यूसली हमारा फ्लो होता रहता है और जो फिलामेंट्स होती हैं उनको सॉलिडिफाई करता है। देन हम उसको पेल्टाइजर में या फिर ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करते हैं। पेल्टाइजर में हमारा होगा जो फिलामेंट को टाइमली कट करेगा, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट देता है। देन आफ्टर वी पैकेजिंग द ग्रेनुल्स, इस तरह से हम पीपी को इंडस्ट्री में फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीप्रोपाइल। पीपी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.903 होता है। डिफरेंट ग्रेड्स पे या जो कंडीशंस हैं, जनरल मैंने बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को अगर हम उनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दें तो इसके ग्रेड्स जो हैं डिफर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। सेकंड है टेंसाइल स्ट्रेंथ 35.5 मेगा पास्कल होती है। हार्डनेस को हम R100 से डिनोट करते हैं। पीपी का जो HDT टेम्परेचर है वो 1.82 मेगा पास्कल लोड के साथ में 55 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पीपी का 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट 164 डिग्री और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 24 से 28 KB पर MM होती है। अब हम बात करते हैं पॉलीप्रोपीलीन के एप्लीकेशंस के बारे में। डिफरेंट फील्ड्स में मैंने जाता है पीपी, यहाँ पर शॉर्ट में मैंने कुछ एप्लीकेशन लिखी हैं जहाँ इसका हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन, कॉफ़ी मेकर एंड टोस्टर हाउसिंग, यानी कि जो कॉफ़ी मेकर होता है आपका या टोस्टर होता है उसके हाउसिंग की जाती है, यानी उसका जो बॉडी होती है वो फॉर्म की जाती है। सेकेंड, कार डैशबोर्ड। थर्ड, कार बम्पर। मेडिकल डिवाइसेज जैसे सिरिंजेस वगैरह हैं या पैकेजिंग में ब्लड पैकेजिंग, यूरिन पैकेजिंग, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड, पैकेजिंग में हम मेनली BOPP का यूज़ करते हैं। BOPP क्या हमारा बाई एक्सियली ओरिएंटेड पीपी, इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है इसमें, नेक्स्ट है इसमें केबल एंड वायर कोटिंग, केबल और वायर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। पैन बॉटल्स एंड कंटेनर्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पीपी का यूज़ किया जाता है। सीट कवर्स, फर्नीचर्स, वॉशिंग मशीन, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है।